देवघर के जसीडीह थाना अंतर्गत रोहिणी गांव में बने शहीद पार्क में रविवार को धूमधाम से शहादत दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत नगर आयुक्त अशोक कुमार सिंह, वार्ड पार्षद समाज सेवी रीता चौरसिया, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी रवि कुमार, प्रोफेसर रामनंदन सिंह ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर संजीव परिहस्त की टीम के द्वारा आकर्षक नृत्य पेश किया गया। वहीं शहादत दिवस के दिन होने वाली विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं में सफल प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। हम आपको बता दें कि यह शहीद स्थल 1857 के क्रांतिकारी अमानत अली, सलामत अली और शेख हारून को समर्पित है, जिन्होंने आज़ादी का बिगुल फूका था। अब इस पार्क का और भी विकास किया जाएगा। कार्यक्रम के बाद बात करने के दौरान नगर आयुक्त अशोक कुमार सिंह ने कहा कि पार्क का बृहद तरीके से विकास किया जाएगा, जो 1 महीने के अंदर दिखने लगेगा। वहीं वार्ड पार्षद रीता चौरसिया ने कहा कि आयोजन समिति के साथ साथ शहीद स्थल के समिति को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, इसका बृहद तरीके से प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो मैं कल से यहाँ लाइटिंग लगाऊंगा, उसके बाद और जो भी इसके विकास के लिए करना है वो 1 महीना का। मैं इसके लिए एनडीसी साहब को करीब 20 दिन पहले मैं बोल चुकी हूँ, लेकिन पदाधिकारी तो अपना काम कर चुके हैं, लेकिन जो यहाँ की समिति है उसको भी लगना होगा, प्रचार प्रसार में लगना होगा। मेरे में भी कुछ कमियाँ हैं, मुझे भी इसके लिए बेटर करके इस विकास में और लड़ना होगा। मैं आशा करती हूँ अगले साल ये गलतियाँ ना होके इससे भी भव्य रूप से यह